सावधान, अगर इस नंबर से आए कॉल तो कहें ऐप डाउनलोड करने की तो ना करें, पढ़िए जरूरी खबर। खबर शिवपुरी से है। यह हम आपको बता दें कि कमलागंज घोसीपुरा में रहने वाले कमर किशोर खन्ना पुत्र पूरन दास खन्ना घोसीपुरा ने एसपी ऑफिस में शिकायत की थी। उसने बताया कि माधव चौक स्थित द मोबाइल शॉप में मैनेजर है, उसके पास मोबाइल नंबर 8002520198 से कॉल आया। युवक ने आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल मांगी, जो कमल किशोर के द्वारा उपलब्ध करा दी गई। उसने एक ऐप डाउनलोड करने को कहा। इसके बाद प्रार्थी के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें 10371 और 10370 की राशि निकलने का मैसेज आया। इसकी शिकायत प्रार्थी के द्वारा ब्रांच में की गई। आपको बता दें कि प्रार्थी के टोटल 20741 रुपये की राशि निकाली गई है। इसकी शिकायत प्रार्थी ने शिवपुरी एसपी से की है। ये क्या है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मैं दामू वाले बस पे बैठता हूँ, मैनेजर हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ था। मेरे पास एक कॉल आया और उसने मेरा मोबाइल हैक किया। मोबाइल हैक एक एप्लीकेशन आती है, उसके थ्रू उसने मोबाइल हैक कर लिया। अब वो एप्लीकेशन भी उसी ने डाउनलोड करी या कैसे क्या हुआ, ये मेरे को भी समझ में नहीं आया। तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई उसने और हल्के हल्के मेरा मोबाइल की स्क्रीनिंग उसने वहाँ पे कैप्चर करी और पूरा मेरा ओटीपी सब उसने खुद ही ले लिया। ये तो कोई डिटेल मांगी थी उन्होंने? उसने कोई डिटेल नहीं मांगी मुझसे, ना ही ओटीपी मांगी, ना ही उसने मुझसे मतलब बैंक अकाउंट डायरेक्ट, उसने आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल मांगी, मोबाइल ही हैक कर लिया। उसके थ्रू उसने सारी डिटेल उसमें से ले ली। कितने पैसे निकल गए टोटल उसमें से? दो मुश्तों में निकले हैं, एक बार 10371, एक बार 10370। कहाँ शिकायत की अभी आपने? अभी मैंने एसपी ऑफिस में की हुई है, क्राइम ब्रांच में। बैंक में नहीं की? पावती भी लेके आया हूँ। बैंक मेरा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड है एसबीआई का, तो मैंने वहाँ पे भी शिकायत कर दी है। और तुरंत ही मेरे पास एसबीआई का कॉल भी आ गया था हल्के हल्के कि आपने ट्रांजेक्शन किया है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, और आप ही का कोई एसबीआई कोई बंदा आया जो मुझसे ऑनलाइन ही बात कर रहा है। कि नहीं नहीं, वो हमारे थ्रू से नहीं है, और आपने अगर ट्रांजेक्शन नहीं किया तो आपके संग कोई फ्रॉड ही हो रहा है। तो फिर उसने बोला हल्के हल्के मैं आपका कार्ड ब्लॉक कर रहा हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए सबसे पहले। मैंने 10 मिनट के लिए मोबाइल स्विच ऑफ किया और हाल के उन्होंने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया, नहीं तो उसमें मेरी लिमिट और भी थी, वो और पैसे उठा देता, तो मैं बच गया। फिलहाल 20,000 से ही मैं निपटा हूँ, 20-21,000 से।